हेलो गाइस, राम राम सभी को। सबसे पहले सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जो आने वाला साल है बहुत खुशियां लेके आए, ठीक है। पुराने साल में जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाना, मतलब कि जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं हम सबको बुला के अपनी ज़िंदगी में नया उजाला करना, ठीक है, नए साल को लेके। तो हम निकल चुके हैं फिलहाल अपना घर से और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं रात के, और 10-12 बजे यहाँ से कम्बोई है। उसके बाद हम सीधा आपको मिलेंगे अपना ट्रेडा पास पहुँच के, जहाँ पे न्यू ईयर का पूरा अच्छा प्रोग्राम कर रखा है, डीजे वगैरह लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में बताया ही था, ठीक है। तो अभी फिलहाल मिलते हैं आपको सीधा अपना, पहले यहाँ से कम्बोई, कम्बोई के बाद शिप, और शिप के बाद फिर हम जाएंगे अपना, बस शिफ्ट उतर के उतरते ही मेट्रो स्टेशन के बाहर ही है, शिफ्ट स्टेशन के बाहर। बाकी अब मिलते हैं आपको सीधा वहीं पे। तो सभी को फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब दिखाते हैं आपको पुर्तगाल में नया साल मतलब कैसे मनाया जाता है, सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है यहाँ पे। मतलब टेरा दो पासो जो आपने देखा ही है, कितना बड़ा वहाँ पे एरिया है, खुला एरिया, तो सब कुछ वहीं पे बहुत अच्छे से किया जाता है, डीजे वगैरह लगे हुए हैं। तो जो भी होएगा दिखाऊंगा मैं आपको, बने रहना वीडियो में और पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसा मतलब कि जो पहले भाई रहते थे, तो जो भाई पहले यहाँ पर रहते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नया साल मनाया जाता है। तो जो भी होगा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइस, कम्बोई अपनी आ चुकी है बिल्कुल टाइम पे। तो अब चलो बैठते हैं इसमें, चलते हैं अपना सीधा टेरा दो पासो न्यू ईयर मनाने। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना बरेरो, और हम एंट्री कर चुके हैं अपना उसके गेट पे, शिप गेट पे। अब हम यहाँ से जाएंगे शिप में, उसके बाद हम मिलते हैं आपको सीधा टेरा दो पासो पहुंच के। तो बने रहना वीडियो में। फाइनली गाइस, हम शिप से आ चुके हैं बाहर, और हम यहाँ से जा रहे हैं टेरा दो पासो जहाँ पे मेन प्रोग्राम है। तो अब जिसे मिलते हैं वहीं पहुँच कर ही, ठीक है, दिखाते हैं आपको वहाँ का प्रोग्राम। वे हम आ चुके हैं सिचुएशन के बाद, ये आप लोग देख ही रहेंगे भीड़। तो चलते हैं यहाँ से वहाँ सामने लगे हुए हैं, तो हम जा रहे हैं दूसरी साइड से फिलहाल, क्योंकि वहाँ से नई एंट्री जो है वो खत्म कर रखी है मैंने पिछली बारी जो करी है वहाँ से एंट्री कर रखी है, क्योंकि वहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी मजे हैं यहाँ पे फालतू का सामान है वो अपने पास रखेंगे, और फिर उसको मतलब कि प्रॉपर ऐसे तरीके से चेकिंग कर रहे हैं एक ही चीज़ को, मतलब कि क्या कहते हैं जेब वगैरह लगा लो, बैग वगैरह। तो गाइस, अपना चेकिंग चुकिंग होने के बाद हम वहाँ से निकल चुके हैं अपना आगे की तरफ। तो अब मिलते हैं आपको सीधा डीजे के पास जाकर ही, ठीक है। आपको साउंड तो आ ही रही होगी, तो बाकी आपको आगे जाके देखते हैं। Não sei se, se já se aperceberam. Quanto? 45 minutos. 35. Quatro, cinco. 45. 45. Então estamos a entender. 45 minutos. 45 minutos para nós entrarmos no ano. De certeza que será especial para toda a gente. Poderá ser mais especial ainda do que passou. Nós, 4:30, tivemos um ano do qual não nos podemos queixar, de certeza absoluta, que foi um ano magnífico. Mas eu gostava de lembrar que no próximo ano celebra-se algo especial. Celebram-se 50 anos, exatamente 50 anos, desde que ocorreu o 25 de Abril. Isso significa 50 anos de liberdade para o povo português, 50 anos em que nós podemos juntar-nos em público para fazer festa, juntar-nos em público para dizer o que. Yeah.
Viremos todos, corremos a ver.
पीड़ी पियो। तो भाई चटाकों का प्रोग्राम हो चुका खत्म और अब चलेगा डीजे वाला प्रोग्राम, तो वो दिखाते हैं आपको, बने रहना वीडियो में। थोड़ी देर नाचने के बाद नगर बाजार के कैफे पे, तो थोड़ा सा क्योंकि उनकी छुट्टी बाद लेट होनी है 2-3 बजे के आसपास, तो देखते हैं अभी थोड़ा वहाँ उनसे जाके मिल आते हैं, आके फिर दोबारा करेंगे डांस, जब वो आ जाएंगे उनके साथ भी करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं करण है, बाकी सालू भी अपना रेस्टोरेंट पे है, करण गैरी और नकुल भी, बाकी एक बार जो नसीब वो अपना गए हुए हैं, वो भी अपने यहाँ यहाँ दोस्तों के साथ आए हुए थे, वो अपने यहाँ दोस्तों के साथ आए हुए थे, तो अभी देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल नगर रोड के कैफे में चलते हैं फिलहाल, तो उसके बाद देखते हैं जो भी होएगा बताएंगे आप सभी को। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना पायोर के कैफे पे, पीछे आप देख ही रहे हो भीड़ लगी हुई है पूरी, वो भी अंदर लगे हुए हैं अपना काम में, तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं उनसे, उसके बाद चलते हैं यहाँ से अपना मकीन को, तो 2-3 बज जाएंगे, बक्के भी टाइम हुआ है पूरा 1 ही बजा है, तो अभी 1-2 1.5 घंटा अभी पड़े ही ऑलमोस्ट, तो जो भी होगा बताएंगे अभी आपको।
तो गाइस फिलहाल हम बैठ चुके हैं अपना यहाँ टेबल पे और अभी फिलहाल देखते हैं, कुछ करते हैं ऑर्डर, कुछ खा पी लेते हैं हल्का फुल्का, लाइक क्या बताएं आपको, शेक वगैरह या ड्रिंक वगैरह, बाकी ये बियर वगैरह दारू वगैरह ये तो मैं पीता नहीं। और फिलहाल हम ओके फिलहाल अपना हम यहाँ से देखें थोड़ी देर में आप एक भाई और के साथ ही चलेंगे, तो जो भी होएगा तो बताएंगे आपको। बाकी जो टाइम है 1:12 हो चुके हैं, 1:11 और ये आसपास में मतलब भीड़ हो रखी है पूरी। अपना कैफे जा लो, तो भाई अपने लिए आ चुका है जूस, ऑरेंज जूस। और गाइस एक और अपने लिए आया अभी चीज केक और जूस तो मैंने पी लिया, बाकी एक ये है जूस एक और, बाकी अपना चीज केक तो अभी खाते हैं इसको। तो भाई अपने साथ अपना एक भाई जुड़ सकते हैं, भाई जुड़ सकते हैं। तो भाई टाइम हो चुका है 2:35 और अभी भी यहाँ पे पार्टी सार्टी चल रही है रात को। बाकी नकुल भाई 3 बजे फ्री होंगे यहाँ से, 2:32 आपने देखा अभी टाइम हो चुका है। दो पैंतीस वगैरह हो चुके हैं और उसके बाद फ्री होके फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, तो जहाँ भी जाएंगे बताएंगे आपको। तो गाइस वहाँ से भाई हो चुके हैं फ्री नकुल अपने रेस्टोरेंट से और अब हम जा रहे हैं, देखते हैं शिफ्ट तो है नहीं इस टाइम, शिफ्ट है पूरे 1 घंटे बाद 5:45 पे है, मतलब जो स्टार्ट होगी सुबह की शिफ्ट वो 5:45 पे है। तो अभी देखते हैं यहीं घूमते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे यहाँ से, तो जब जाएंगे तो मिलवाएंगे, मतलब जब भी जाएंगे बताएंगे आपको। तो गाइस यही वो एरिया है जहाँ पे अभी न्यूयॉर्क का प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ सामने स्टेज लगी हुई थी जो कि उतारनी भी चालू हो चुकी है और अभी हम देखते हैं जाएंगे अभी हम इन साइकिलों पे यहाँ से कसौली, पैदल पैदल अगर तो 1/2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इन साइकिलों पे जाएंगे, 1 पे 2 और 1 पे 3 हो गए, जब कर रहे हैं स्टार्ट ये, तो जो भी होगा बताएंगे अभी आपको। तो भाई साइकिलों पे हम घूम फिर के अब हम आ चुके हैं अपने शिप स्टेशन पे। सबसे पहले मैंने करा रिचार्ज अपना महीने का, तो मैं तो वहाँ से आ चुका हूँ, तो मिलता हूँ आपको सीधा अंदर पहुँच कर ही। तो भाई टिकट रिचार्ज करवाने के बाद एंट्री कर चुका हूँ मैं भी और अब चलते हैं यहाँ से घर, करते हैं जाके रेस्ट। तो मैं तो सभी को राम राम और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।